हाय, आज मैं बात करूंगी अपनी 3 साल के मेरे सफर के बारे में, क्योंकि जनवरी का मंथ है और मेरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मेरा सेलिब्रेशन का मंथ है, सेलिब्रेशन का डे है। मैं इसको एज ए कैंसर एनिवर्सरी के नाम से सेलिब्रेट करती हूँ अपने फैमिली के साथ। तो आज मैं इसी के बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगी कि मेरे ये पूरी जर्नी, 3 साल का जो ये सफ़र था, कैसा रहा, कैसा मेरे शरीर में, दिमाग में क्या क्या बदलाव आए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी पूरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनली 4th ईयर की तरफ मैं बढ़ रही हूँ और मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। बहुत से लोग जो भी अभी मेरा ये वीडियो देखते हैं, जो नए नए, जिनको अभी पता लगा है अपनी बीमारी के बारे में, या कोई ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, या जो एज ए सर्वाइवर जो थोड़े से इमोशनली वीक हैं और जिनके दिमाग में डर रहता है रीअकरेंस का, दोबारा होने का डर, तो वो कुछ लोग मेरे इससे जुड़ते हैं, या कोई अपना जिनके किसके किसी का अपने को इस तरह की कोई बीमारी होती है, तो बहुत से लोग हैं जो मेरा ये वीडियो देखते हैं। तो उन सभी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कैंसर सर्वाइवर्स होते कैसे हैं, क्या वो बीमार रहते हैं, क्या वो दिखने में आम लोगों से थोड़ा सा अलग दिखते हैं, वीक से, थोड़े से कमज़ोर से, थोड़ा सा एकदम हटके, उनमें एनर्जी लेवल थोड़ा लो होता है। तो ऐसा नहीं है, कैंसर सर्वाइवर एज ए, मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर बात कर रही हूँ और दूसरे कैंसर्स का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं किसी और के इमोशंस के बारे में नहीं बता सकती, मैं अपना इमोशन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टाइम चला, 6 मंथ का टाइम था। उसमें बहुत टफ कीमोथेरेपी, जो कि आपने भी सुना होगा, देखा होगा जो लेते हैं उन लोगों को, तो बस मेरा टफ टाइम जो था वो मेरा कीमोथेरेपी था, रेडियोथेरेपी, सर्जरी। ये थोड़ा सा हेल्दी शरीर के साथ निकल गया, जैसे सर्जरी में मैं बहुत हेल्दी थी, तो वो 1 महीने का जो टाइम होता है उसमें आप अच्छा खा सकते हो, अच्छा पी सकते हो, अच्छी बातें कर सकते हो, आपका शरीर फिट रहता है, तो वो भी टाइम निकल जाता है। आपकी कीमोथेरेपी के टाइम, क्योंकि आपके शरीर के अंदर वो मेडिसिन इफ़ेक्ट्स दिखाती हैं, वो सेल्स को मारती हैं जो कैंसरस सेल्स होती हैं, और उसके साथ साथ वो सेल्स जो रोज़ नई पनपने वाली जो सेल्स होती हैं, उसके साथ वो स्वस्थ सेल्स को भी मारती हैं वो दवाइयाँ। तो वो स्वस्थ सेल्स में हमारे स्किन, नेल्स और हेयर सेल्स आती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर दिखने में कुरूप सा हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, स्किन ब्लैक हो जाती है, नाखून काले हो जाते हैं। हम चलने फिरने में या किसी चीज़ को टच करने में मेरे यहाँ पे बहुत सेंसेशंस होती थी, तो वो एक टफ टाइम था। उसके बाद कीमोथेरेपी का जब लास्ट डे होता है, वो आपको इतना, मतलब लास्ट मेरा जो 8th कीमोथेरेपी कंप्लीट हुई वो दिन था, उस दिन मैंने बस लगा बस ख़त्म, फिनिश, अब बस हो गया। उसके बाद थोड़ा सा दर्द मुझे रेडियोथेरेपी का था, लेकिन जैसे फर्स्ट डे रेडियोथेरेपी हुआ तो कुछ मुझे कुछ फील नहीं हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चला गया रेडियोथेरेपी का टाइम भी, और वो उसमें ऊपरी स्किन के ऊपर थोड़ा सा हुआ, तो उससे वो मेरे को खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेन पूरा ट्रीटमेंट का, या कभी बीमारी का, कभी हमें नॉर्मल बुखार भी आ जाता है तो हमें लगता है कि हम अच्छे से खाना खा पाएँ या अच्छी डाइट ले पाएँ, जिससे हमारा शरीर अच्छे से रिएक्ट करे और वो उस बीमारी को जल्दी से हम उस बीमारी से निकल सके, तो बस यही मेन होता है। तो कीमोथेरेपी के टाइम थोड़ा हम खाने में, हमारा स्वाद बिगड़ चुका होता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आती है, बहुत, हम बहुत सारी फीलिंग्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, इस तरह का होता है वो। लेकिन वो निकलने के बाद, मेरा रेडियोथेरेपी होने के बाद, जब मैं रिकवरी फेस में थी, तो मैं हर अपने उस रिकवर होने का जो एक एहसास है, नए बालों का आना, नए नाखूनों का आना, एक स्वाद को दोबारा फील करना, खट्टा मीठा तीखा स्वाद, नए नए जो कीमोथेरेपी का जो मेरा 4 महीने का जो टाइम था, उस दौरान मैं बस महसूस करती थी कि उसका नींबू का अचार का टेस्ट, या फिर वो पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, उसका टेस्ट, कचौरी, समोसे, तो किसी का टेस्ट आता ही नहीं था, तो बस मैं उसको फील कर पाती थी कि जब मैं जल्दी से सही होंगी तो मैं ये खाऊंगी, वो खाऊंगी, मैं अपनी तरफ से कुछ अचार बनाऊंगी, मैं कुछ सब्जियां अपने हाथ से बनाऊंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपने हाथ का टेस्ट भी मुझे खाने का मन करता था उस वक्त, क्योंकि तो ऐसा मेरा मन था उस वक्त। तो धीरे धीरे जब ये सब टाइम पीरियड निकला
और जब मैंने धीरे धीरे उन स्वाद को फिर से आई, मैं उन स्वाद को महसूस किया, मैंने खाने को महसूस किया, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर वो बालों का आना, धीरे धीरे स्किन सही होना, नाखून नए आना, और एक कॉन्फिडेंस लेवल को धीरे धीरे मजबूत होना, वो भी एक अच्छा सुखद एहसास था मेरे लिए। मैंने उस जो मेरा बैक टाइम था, मतलब कीमोथेरेपी का वो जो टाइम था कि मैं कैसी हो गई हूँ, कैसी हो जाऊँगी, मैं परमानेंट ऐसे ही रहूँगी, तो लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल, कुछ अपने आसपास मैंने ऐसे लोगों को देखा जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, और मैंने एक मजबूती के साथ उस फेज़ को पार किया। और जब नई नई चीज़ें आ रही थी, मैं आपके साथ अपने वो पुराने वीडियोस फोटोज़ डालती रहती हूँ। अगर आप पहली बार अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा हो, तो पुराने वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मेरे कीमोथेरेपी की पूरी जर्नी, मेरी रेडियोथेरेपी की जर्नी, मेरी बालों का आना, मैंने एक एक मोमेंट को कैप्चर किया है मोबाइल में और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और आज 3 साल के बाद मैं आप लोगों के साथ हूँ। कुछ छोटे मोटे इफ़ेक्ट्स अभी भी हैं, जैसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, तो मैं बालों के लिए जब मैंने डॉक्टर फॉलोअप के लिए जाती थी, तो मैं उनको बोलती हूँ, तो उन्होंने कहा है कि आप एक डर्माटोलॉजिस्ट को से बात कीजिए। उनसे ट्रीटमेंट चला लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा थायराइड होगा, थायराइड वायरड सारे चेकअप हुए लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैंने दिमाग से निकाल दिया, झड़ेंगे झड़ेंगे, जो बचेंगे बचेंगे, अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी लाइफ रखनी है, जो होगा ईश्वर के हाथ में है। तो ऐसे ही मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया, बस मैं अपने हेल्थ पे ध्यान देती हूँ, खाने पीने पे ध्यान देती हूँ। अब मैंने सब छोड़ दिया है, कि टेंशन वेंशन, ये बाल क्यों झड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातें हैं। मैंने बहुत हार्ड टाइम को निकाल कर आई हूँ, तो ये बहुत छोटी बातें हैं। बालों के लिए बस हम ये कर सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, ये वो। और मेरे सेंसेशन अभी भी है मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, पैरों में हल्का सा भी कोई हल्का सा भी टच करता है तो ऐसे से हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही दर्द होता है, मतलब एकदम चुभन सी हो जाती है, मैं चौक सी जाती हूँ। और इतना थोड़ा मेरा है यहाँ का एरिया, थोड़ा सा सूना सा हल्का सा सेंसेशन यहाँ अंडर आर्म्स के अंदर सेंसेशन, मतलब फीलिंग थोड़ी सी कम है, बाकी सब नॉर्मल है, सब कुछ फिट है। मेरी नॉर्मल जो फीलिंग्स थी पहले, जो इमोशंस थे पहले, वैसे ही हैं। मेरे परिवार का मेरे साथ सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, इसीलिए हो सकता है मेरे अंदर अभी भी उतनी ही एनर्जी है, क्योंकि इस चैनल को खोलने के बाद, जब से मैंने ये चैनल खोला है, बहुत सी लेडीज़ मुझसे मिलती हैं, बातें करती हैं, और वो अपने प्रॉब्लम को शेयर करती हैं, जिसका ब्रेस्ट रिमूव हो चुका है, दोनों ब्रेस्ट नहीं है या एक है, या जिसकी मेडिसिन चल रही है। उनकी वजह से भी बहुत लोगों में शायद हो सकता है मूड स्विंग्स हों, हारमोन्स थेरेपी चल रही हो, हारमोन्स की वजह से भी आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो मैं उनके बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है, इसकी मेडिसिन ही रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरीज थी। तो उनका कभी मैं अपने किसी ऐसे के साथ बात करूँगी या उसके साथ वीडियो बनाऊँगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये तो था मेरा थोड़ा सा वैसा वीडियो है कि 3 साल कंप्लीट होने के बाद बहुत से लोग होते हैं, पूछना चाहते हैं अब आपको कैसा लगता है, आप कैसे, आपकी दिनचर्या कैसी है, रूटीन कैसी है, क्या आप अभी बाहर का खाती हैं, क्या आप अभी चाय पीती हैं, क्या आप दूध पीते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लोगों के। तो अगर मैं अपना बताऊं, तो मैंने अपने डेली रूटीन में भी बता चुकी हूँ, मैंने स्ट्रिक्टली कुछ भी ज़ीरो नहीं किया है कि मैंने ये एकदम हटा दिया है अपने लाइफ से, मैदा वाले प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है। मैं कचौरी समोसे खा लेती हूँ कभी जब मेरा मन करता है, 10-15 दिन में। पिज़्ज़ा भी खा लेती हूँ 1-2 महीने में, और शादी पार्टी में भी खाना चलता है। तो और चाय वगैरह भी मैं पीती हूँ, मेरे यहाँ दूध अच्छा आता है, जिसके यहाँ बहुत इंजेक्शन वाले दूध आते हैं, जिन गाय भैंसों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो वो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, तो इस वजह से डॉक्टर्स या बहुत से लोगों की आप मुँह से सुनेंगे कि दूध बंद कर दो दूध, क्योंकि उनको हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं, और आपको जिसको पॉजिटिव टाइप का होता है उसको उस तरह की चीज़ों से अवॉइड ही रहना चाहिए। और शुगर, मैदा, ये वाइट जो रिफाइंड चीज़ें, इनको भी जितना अगर आप अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा है। जैसे चीनी, नमक, मैदा, वाइट वाइट जितनी भी ये चीज़ें हैं, और ऑयल,
तो मैंने आपको पहले भी अपने रूटीन वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूरी बना ली है। मैंने बहुत रेयरली होता है कि जब मैं इन चीज़ों को खाती हूँ अपने डाइट में, होता है जैसे इमरजेंसी में, कभी शादी पार्टी में या किसी के घर गए हैं तो आप खा लेते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रिक्टली हमने एकदम ज़ीरो कर दिया है। तो ये तो था मेरा 3 साल का सेलिब्रेशन। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे इस जर्नी से रिलेटेड। और अगर आपको डिटेल में जानना है मेरी कीमोथेरेपी में क्या हुआ, मेरी रेडियोथेरेपी में, तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे डेली रूटीन ये सभी के बारे में आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपका कोई ख़ास प्रश्न हो कि आप इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाइए, जैसे लास्ट मैंने वीडियो बनाया था रिलेशनशिप, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पे, तो वो जो टॉपिक था वो मुझे कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि इस पे आप बात कीजिए। अगर आप बात करेंगे तो धीरे धीरे लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, खुलकर आएंगे सामने। तो मैंने उस टॉपिक पे वीडियो इसीलिए बनाया था। अगर आपको कोई भी ऐसा जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरा इंस्टा पे आकर मुझे जो चैट सेक्शन है उसमें मुझे अपना प्रश्न लिख सकते हैं, जो कि एक थोड़ा वैसा रहेगा कि आप वर्ल्ड वाइड नहीं होगा, कोई भी आपका नहीं पढ़ पाएगा या आप डायरेक्ट आपके साइट पे नहीं जा पाएगा। तो आप इंस्टा पे आकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को मैं इस प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे और हम सब मिलकर उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए और मिरेकल्स होते हैं।